नमस्कार, खबर एक्सप्रेस न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिंकी सिंह और शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर से जुड़ी हुई। अनुव्रत मंडल को जमानत नहीं देने पर जज को ड्रग केस में फंसाने की धमकी, दिया पत्र। जिले भर की हर दो हफ्ते में रिपोर्ट देखेंगे अभिषेक। पंचायत चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुट गई है। इसकी कमान खुद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने हाथों में ली है। इस चुनाव को फोकस करते हुए अब जिलों की हर दो हफ्ते की रिपोर्ट देखेंगे अभिषेक, जिसमें देखा जाएगा कि बूथ स्तर पर पार्टी के नेता कितने सक्रिय हैं। मालूम हो कि हाल ही में पार्टी ने सांगठनिक स्तर पे कई जिलों में प्रेसिडेंट और चेयरमैन में बदलाव किया है। सरकारी सुविधा प्राप्त करने में लोगों को किसी प्रकार से कहीं कोई कमी नहीं रहे, यह संदेश राज्य प्रशासन बार बार देता आया है। इसी संबंध में सरकारी सुविधाएं लोगों को कितनी मिल रही है, कहीं कोई शिकायत के बाद उस पर कितना काम हुआ है, समाधान हुआ या नहीं, इन सारी सुविधाओं को देखने के लिए अधिकारी अब सीधे लोगों से संपर्क करेंगे। यानी कि सरकार अब दुआरे अधिकारी की शुरुआत करने जा रही है। महानगर के अलग अलग इलाकों में चल रही ऑनलाइन लॉटरी की दुकानों में छापेमारी कर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस के एआरएस अधिकारियों ने मामले में 10 कंप्यूटर और लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। सबसे पहले आनंदपुर के चौभागा रोड में चल रही ऑनलाइन लॉटरी की दुकान में पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वहां से 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा, वहीं अन्य जगहों से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रुख करते हैं जिलों की खबरों की ओर। अमूल दूध ढोने वाले कंटेनर से की जा रही है गायों की तस्करी। पुरुलिया जिले के हुड़ा थाना क्षेत्र के पास अमूल दूध कंपनी के कंटेनर के अंदर से गाय को ले जाते समय वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में कई गायों की मौत हो गई, 10 से अधिक गाय घायल हो गई। कंटेनर में करीब 20 से 25 गाय थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। त्रिस्तरीय पंचायत कर्मचारी संघ की ओर से चुचड़ा फेरी घाट से घड़ी मोड़ होते हुए जिला अधिकारी कार्यालय तक रैली का आयोजन मंगलवार को किया गया। कर्मचारी संघ ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जिला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि अस्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की मानसिक प्रताड़ना को सर्वप्रथम बंद किया जाए। আমাদের দাবিগুলো যেটা সেটা হচ্ছে 100 দিনের কাজকে এমওআরডি গাইডলাইন অনুযায়ী মাস্টার সার্কুলার অনুযায়ী কোনো দিন আজ অবধি প্রতিপালিত করছে না বিগত কয়েক বছর ধরে। যেটা আমরা বলতে চাইছি, এখানে একটা এতদিন ধরে একটা প্রবণতা ছিল 100 দিনের কাজের চাহিদা ভিত্তিক কাজকে সাপ্লাই ভিত্তিক কাজে রূপান্তরিত করে দিয়েছিল। অর্থাৎ টিডির টার্গেট, শুধু টার্গেট 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 ফুলফিল করো, টার্গেট তুমি যদি ফুলফিল না করতে পারো তোমার দূরে বদলি হবে, তোমার সঙ্গে হয়রানিমূলক বদলি করা হবে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সুপার করা হবে, এইসব হয়ে গেছে এতদিন ধরে। তার ফলশ্রুতিতে যখন মঠ ভিজিট হলো, মঠ ভিজিটে দেখা গেল যে সেই টার্গেট পূরণ করতে গেলে কাজের কোয়ালিটিতে কিছুই আসেনি তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী। এবং আমরা এর আগেও বিগত দিনের পর দিন প্রশাসনকে বিষয়ে সতর্ক করেছিলাম যে এইভাবে টার্গেট পূরণ করে কাজ করা যায় না। মেনলি যেটা করতে হয়, যেরাম যা ডিমান্ড আছে সেই অনুযায়ী টেকনিক্যালি এবং মডের গাইডলাইন অনুযায়ী কাজগুলো করতে হয়, বাট সেগুলো তারা কোনোদিন কর্ণপাত করেননি, বারংবার বলা সত্ত্বেও, লিখিতভাবে জানানো সত্ত্বেও। আব নজর ডালতে হ্যায় দেশ দুনিয়া সে জুড়ি খবরো পর। केजरीवाल का दावा, आपके डर से गुजरात में अपना प्रमुख बदलने जा रही है भाजपा, भगवा पार्टी ने किया पलटवार। एक नजर डालते हैं धर्म जगत से जुड़ी खबरों पर। बुधवार का व्रत ज्यादातर वे लोग करते हैं जो भगवान गणेश को मानते हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पुराणों में माना जाता है कि बुधवार का व्रत रखने से भगवान गणेश की कृपा से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में खुशियों का प्रवेश होता है। एक नजर डालते हैं मनोरंजन जगत की हलचलों पर।
हनी सिंह ने सैकड़ों लोगों के सामने सनी लियोनी से कह दी वो बात, शर्म से लाल हो गई एक्ट्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, महानगर व देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे खबर एक्सप्रेस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।